चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के पिता रमा शंकर जी का बीते 12 अगस्त को आरा स्थित अपने निवास में निधन हो गया था। वो पिछले कई महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे। पवन सिंह के पिता श्री रमा शंकर जी के उनके पैतृक गांव जोहरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इसको लेके भोजपुरी फिल्म उद्योग और उनके चाहने वालों के साथ साथ करोड़ों फैंस के बीच मातम का विषय बनकर पसरा हुआ था। उनको हम तमाम दर्शक और भोजपुरी फिल्म से जुड़े सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दुख के घड़ी में भगवान पवन सिंह को हिम्मत दे ताकि उनका हौसला मजबूत रहे। आपको बता दें कि आरा के जोहरी गांव में बीते रविवार 27 अगस्त को पवन सिंह के पिता श्री रमा शंकर जी का साध का कार्यक्रम पूरा संपन्न किया गया। इस मौके पर बिहार के पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व कला मंत्री विनय बिहारी सहित बिहार के कई सांसद के साथ साथ विधायक भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म के कई बड़े सुपरस्टार भी शामिल हुए, जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ आम्रपाली दुबे, निर्माता अभय सिन्हा, धनंजय सिन्हा, प्रेम राय, भूपेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, प्रदीप सिंह, रितेश पांडे, संगीतकार छोटे बाबा, अविनाश शाह घुंगरू, गीतकार मनोज मतलबी के साथ साथ निर्देशक अजय कुमार, अरविंद चौबे, धर्मेंद्र तिवारी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। दुख की घड़ी में वहां उपस्थित सभी लोगों ने पवन सिंह के पिता की मृत्यु पर शोक जताया।